मेरा गाड़ी के पीछे ब्रदर्स लिखा हुआ है, उसका मैं एक हैमस्टर हो गया। इसमें क्या लिखना है पूरा गाइस, आप लोग कमेंट करके बताओ। आप लोग कमेंट करके बताओ, कौन सा कौन सा पॉन साइट देखना चाहते हो कमेंट कर दो भाई। फोन में लाइट जला के मैं गया दिखा रहा हूँ सच में यार। अकाउंट का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, एचटी का बैंड पाइप जो ओरिजिनल एचटी कंपनी 390 के लिए बनाता है। ये सेल्फ मिरर है, नेकेड वर्जन मिलता नहीं है कहीं पर। पहचान पा रहे हो इसको, क्या खतरनाक लग रहा है देखो। तो ये जो ड्यूक 390 है, इसमें मतलब बहुत सारा मॉड्स करा हुआ है। आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि ड्यूक 390 पे क्या क्या, या ड्यूक 250 पे हम लोग क्या क्या मॉड्स करा सकते हैं। तो ये जो ड्यूक है, इसमें बहुत सारा मॉड्स हुआ है, बहुत सारा पावर पार्ट्स लगा हुआ है, एक्स्ट्रा फेयरिंग लगा हुआ है बहुत सारा। तो दिखाता हूँ एक बार उतर के, जिसका बाइक है ये मेरे पीछे है, अमन वोन करता है इस बाइक को, तो वो बताएगा आप लोगों को क्या क्या है क्या क्या नहीं है। एक्रोबिक सेम मेरे जैसा एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है इसमें। तो गाइज देख लो, चाबी ऑफ कर देता हूँ। और ये है द लेजेंड वन एंड ओनली ड्यूक 390, वो भी मतलब जनरेशन 2 वाला। और क्या खतरनाक लग रहा है देखो। तो एक बार राइड भी लेके आता है, एक बार चेक करके देख के आता है, आप लोगों को दिखाता है, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या इसका पहचान पा रहे हो इसको। N160, जिसका मैं मॉडिफिकेशन वीडियो डाला था, आप लोग हर कोई जानते हो इसको, राहुल साला बाइक नहीं लाया आज। चलो सेकंड गियर में 76 या कुछ गया। पावर है, खतरनाक वाला पावर है भाई। अभी BS6 Plus बोल सकते हो, BS7 जो बोल सकते हो, वो वाला जो वेरिएंट आया है, हर कोई बोल रहा है उसका थोड़ा BHP बड़ा है, तो उसको भी चलाएंगे एक बार, चला के देखेंगे। अभी तो आया नहीं है, मतलब नोन में कोई खरीदा नहीं है। एक दादा है, एक भैया बड़े भैया है, उसके पास नया वाला ड्यूक 250 है, तो उस पर भी वीडियो आ जाएगा। कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस चलो अभी अमन को बुलाते हैं और देखते हैं इसके में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। बाय द वे गाइस, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है वो जानने से पहले एक बार आप लोग सिनेमैटिक चेक कर लो। False owners, don't respect those who promote it. On paper, you look honest. On the outside, looking in.
बाद। तो गाइज सिनेमैटिक कैसा लगा एक बार बता देना। और अभी इधर खड़ा है अमन भाई, कैसे हो भाई? भाई ठीक हो, तुम कैसे हो? बोलो। एकदम मस्त। तो भाई का बाइक है, कितने दिन का बाइक है, मतलब तुम कितने दिन चला रहे हो? मैं अभी चला रहा हूँ फिलहाल सोचो ढाई मंथ हो गया। हाँ। तो कैसा क्या एक्सपीरियंस है 390 का? देखो सबसे पहली बात, मेरा तो एक्सपीरियंस था नहीं, मतलब कोई लेने का प्लान नहीं था 390 लेने का। तुम्हें पता है मेरा 250 का। तो एक्सचेंज के बाद तो फैमिली से अलाउ नहीं कर रहा था, तो फिर मेरे को एक्सचेंज का नहीं लेना पड़ा क्योंकि बजट थोड़ा हाई हो जा रहा था। अगर नया लेने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। तो मेरे को शोरूम का बंदे का एक ही गाड़ी मिल गया, तो अच्छे डील में मैंने ये ले लिया। तब एकदम पूरा स्टॉक ही था? हाँ पूरा एकदम स्टॉक ही था, कुछ मतलब एकदम मतलब तुम गाड़ी में कोई भी काम नहीं था, मतलब ये सब फुटप्रिंट जो पार्ट पार्ट देख रहे हो ये ऑरेंज कलर की ये सब लगे हुआ था, बाकी और सब गाड़ी पूरा स्टॉक कंडीशन में ही था। मतलब ये सब जो पावर पार्ट्स है? नहीं ये ना इसको मैंने लगाया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब लगा हुआ था। अच्छा। तो क्या क्या इसमें लोडिंग्स है, लोडिंग्स करे हो तुम? स्टार्ट करो स्टार्टिंग से। चलो पहले तो ये जो तुम प्रोजेक्ट मोटर रेंज का प्रोडक्ट देख पा रहे हो, ये मोटर रेंज का तुम्हारा फोक कवर है। प्राइस कितना लिया था ये? मेरे को हम लोग जब लिए थे तब मतलब बहुत प्राइस था, बहुत प्राइस था, 1600 का एक पेयर लग रहा था दोनों, मेरे को दोनों चक्का का मतलब 300-300 का आसपास का पड़ गया था। अभी प्राइस कम हो चुका है, अभी प्राइस कम हो चुका है, भी आ चुका है कॉपी भी आ चुका है, बट मेरा माना तो ये लगाना बेस्ट है। हाँ, प्रोजेक्ट तुम एक 4 लाख की गाड़ी में लगा रहे हो तो तुम वहाँ पर प्राइस कंप्रोमाइज नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर ये जो मोटर ट्रेंस का देख रहे हो ऑयल फिल कवर, तो यहाँ पर फोक फोक ये भी देखो ढीला हो गया है, इतना खींच बीच के ढीला हो चुका है ये फोक प्रोटेक्टर इसमें लगा है। ठीक है, इसका प्राइस अराउंड 1K के आसपास तुम लोगों को मिल जाएगा, अमेजोन में तुम लोग को इजीली मिल जाएगा। अभी ऑफर के ऊपर डिपेंड, प्राइस अप डाउन होता रहता है। अच्छा। उसके बाद यहाँ पर आता है, तुम देखो मैंने 5D कार्बन का जो रैप है, कोई कोई सोचता है डिपिंग है, झूठ नहीं बोलूंगा, रैप ही है। ठीक है, सबसे अच्छा क्वालिटी का रैप है, मॉडगार्ड पे भी है और यहाँ पर भी है। फिर अगर ऊपर आया जाए तो देखो मैंने यहाँ पर पूरा ब्लैक पूरा टिंट करवाया है। यहाँ पर देखो जो ये भी रैप ही है। ठीक है, मतलब इसमें से अगर तुम लाइट मतलब टोटली ब्लॉक्ड, मतलब तुम्हें इसमें कुछ काम नहीं, बस पूरा लाइट को तुम जो होता है ब्लॉक, मतलब DRL जब जलता है तो डेड वाला अच्छा लगता है। तो मेरे बैकअप के लिए जो HGC का लैम्प लगा है ये तुमको अराउंड 1800 से लेके 2000 तक मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभार इसका कॉपी भी आता है, पर मेरे मानो तो कॉपी मत लगाओ क्योंकि लाइट का बात है। ठीक है, इसमें विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, कंपनी के लाइट से भी इसका विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा अच्छा। उसके बाद अगर ऊपर आया जाए तो देखो ये ब्रेम्बो के कैंस लगाए हुआ है। ठीक है, दो बोथ साइड ये वो नहीं है, फंक्शनल नहीं है ना? फंक्शनल अभी अटैच नहीं किया है जैसा मैं लगाया था, अभी फंक्शनल नहीं है, बाद में कर लेंगे। ठीक है, उसके ऊपर अगर ये मीरा का बात करूँ तो अभी फिलहाल मैं बोल सकता हूँ मेरे ड्यूक में ही लगाया है। ये स्टेल्थ मिरर है, नेकेड वर्शन, मिलता नहीं है कई बार। ठीक है, मैंने बहुत मुश्किल से इसको मंगवाया था, आने में मेरे को 1 महीने के आसपास लग गया था। मतलब जो फेयरिंग मॉडल में आता है? हाँ, फेयरिंग मॉडल तुम यहाँ पर ये वाला देखोगे तुमको समझ आ जाएगा। ठीक है, फेयरिंग मॉडल में भी उसका पूरा शेप ही अलग होता है, इसमें इधर से एक आके इधर मतलब दो पूरा, ये नेकेड के लिए बना है, ये नेकेड के लिए बना है। उसके बाद आ गए तो तुम देखोगे तो फोन होल्डर, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ थोड़ा, कभी कभी राइड पे भी जाता हूँ, मेरे को आउट ऑफ सिटी रहना पड़ता है कोलकाता में, तो मैप के लिए इसको मेरा अच्छा वाला फोन होल्डर लिया था। ये मेरे को बहुत महंगा पड़ गया था 3.5 के आसपास, तुम थे उस वक्त शायद, तुमको पता है, क्योंकि अगली बार तुमको पता है मेरा फोन होल्डर से मेरा एप्पल उड़ के चला गया था। उसके बाद भाई नो रिस्क, ये बोबो का है, ये 3500 कुछ। हाँ अच्छा, एकदम अच्छा। मतलब यहाँ पर भी देखो तुम ऑयल रिजर्वर कैप भी लगा हुआ है। ठीक है, ये जो मास्टर कंपनी का जो स्टॉक है, स्टॉक नहीं है, ठीक है, आफ्टर मार्केट लगा हुआ है ऊपर का जो कैप है। तो उसके बाद मैं अगर टैंक से शुरू करूँ तो यहाँ पर टैंक टाई लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद तो ये तो तुम सबको पता ही है, कितने का है ये चीज़ तुमको लिया था वही 1200 अप्रॉक्स। ये भी प्रोजेक्ट मोटर एक साइगा पार्ट्स का है। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, ये साइगा पार्ट्स का है। अरे तो तुम सबको पता ही है XT AC किट है। ठीक है, तुम देखो ये जो XT बिल्कुल नहीं है, AC है, क्योंकि तुम देखो इसका साफनेस देखो, ये पूरा एकदम नीचे की तरफ, मतलब उससे भी ज़्यादा स्लीक XT करता है, बाइक को ब्रॉड कर देता है, ये बाइक को थोड़ा स्लीक एंड मतलब क्या बोलूँ
थोड़ा शार्प कर देता है। तो ये कितने का मिला था, ये किधर से? ये भी केरला से इंपोर्ट किया? हाँ, ये केरला से इंपोर्ट किया था। ये मेरे को एसी पड़ा, एसी किट पड़ा था 3000 का। ऊपर इसमें कलर का अलग अलग खर्चा है, कलर रैपिंग का अलग खर्चा है। क्रेडिट मांग रहा है वो बंदा। हाँ, वो बंदा क्रेडिट मांग रहा है। तो गाइस मैं बोल दूँ, सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ये जो गाय के गाइस में जो कलर है, जो रैपिंग है, टोटली होल क्रेडिट जाता है राहुल भाई को। ठीक है, इसके पास क्या है, वन, तुम सबको जो हम सब जानते हो, इंडिया में ऑन एंड ओनली पीस है N160 भाई हमारा, एकदम फाड़ू फाड़ू है, फाड़ू सुपर एन। चलो उसके बाद तुम देखो, ये मोटर ट्रेंस का टैंक पैंट लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरा पूरा नहीं लगाया था क्योंकि लग नहीं रहा, क्योंकि मेरा एक सी लगा हुआ है पूरा, जो यहाँ पर बाकी पोर्शन यहाँ पर लगता है, तो मैं सिर्फ दो साइड का ही लगा पाया हूँ। ठीक है, पूरा मैं लगा नहीं पाया। तो अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक क्रैश गार्ड लगा हुआ है। एक क्रैश गार्ड थोड़ा महंगा आता है, ठीक है, 2500 के अप्रोक्स, 3000 तक भी आता है। ठीक है, मैं जब लिया था मेरे को 2800 का पड़ा था ऑन पेयर। ओके, तो उसके बाद तो आ जाते हम लोग बेली पेन पे। ये स्टॉक बेली पेन नहीं है, ये कस्टम है। ये भी मैं मंगवाया था केरला से, इसको एंड इसको दोनों में साथ में मंगवाया था, दोनों को ही साथ में कलर करके पेंट करवाया था। ये भी बस भाई का आइडिया था, ठीक है, राहुल भाई का आइडिया था टोटली, इसको ग्राफिक्स करने का, डिज़ाइन करने का टोटली। और मैं यहाँ पर एक चीज़ भूल गया, यहाँ पर रेडिएटर गार्ड भी लगाया है, रेडिएटर ग्रिल, जो ऐसा कुछ काम देता नहीं है, बस वो KTM का जो लुक है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है दूर से। तो पीछे में बोला जाओ तो एक्वाविक का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, HT का बेंड पाइप, जो ओरिजिनल HT कंपनी T90 के लिए बनाता है, ड्यूक के लिए। तो वही, ये भी केरला से इंपोर्टेड है, ये भी केरला से इंपोर्टेड है। और पावर पार्ट्स ये दोनों तो लगा हुआ था, ये दोनों तो लगा हुआ है। और तुमने ये दोनों पार्ट्स और ये सामने का, ये सब एक साथ। ठीक है, अच्छा अच्छा, और तुमने जस्ट इसको लगाया? हाँ हाँ, इसको लगाया। चलो अभी मेन चीज, अब इसके बारे में क्या बोलूँ, तुम तो इसके भाई के चैनल में है ही ऑलरेडी, इसका टायर का लगाने के, हम लोग जिस दिन डिलीवरी लिए थे उसी दिन ही इसका टायर चेंज कर दिए थे। ऑन 80 सेक्शन डनलॉप का टायर है, ये भी केरला से इंपोर्टेड है, कोई भी यहाँ से यहाँ का नहीं है। पीछे का 25000 का नया टायर, सिर्फ पीछे का 25000 आता है। ठीक है, इसका ग्रिप देख लो, पूरा रबर है, इसमें तार वार बहुत कम है, पूरा रबर है। टायर का नाम बता दीजिए, डनलॉप अल्ट्रा Q3+। सच मानो तो ये मेरे से ज़्यादा मेरे गाड़ी के बारे में मेरे भाई को बताया। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो भी काम है, डिटेलिंग से लेकर मॉडिफिकेशन तक, सब सब इसका प्लान। और उसका सामने में मेटजलर का M5 लगा हुआ है 110 वाला, वो अभी चेंज हो जाएगा, आज ही कल ही ऑर्डर दिया है टायर, मिचेलिन पावर 6, वो सामने का एकदम नया टायर आ रहा है 120/70/17। उसके बाद नंबर प्लेट बहुत सारा एड ऑन है इसमें, लेकिन वो सब अभी नहीं दिख रहा है। जैसे कि ये नंबर प्लेट 2 बार चेंज किया है, ठीक है, इंडिकेटर्स आपका चेंज किया है, ये जो मिरर है इसके पास 4-5 सेट मिरर पड़ा हुआ है, वो तो इधर आपको दिख नहीं रहा है, फिर RCB का इधर लीवर प्रोटेक्टर्स भी है, वो सब घर में पड़ा हुआ है। खर्चा बहुत मोटा है इसमें, बहुत मतलब बहुत मोटा है, लेकिन बहुत सारे चीज़ घर में है। इसका साइगा पार्ट्स का सीट का वो भी आफ्टर मार्केट पेंट करके फिर रैपिंग किया है कार्बन। मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इस साइड पे, इस साइड पे आ रहा है, क्योंकि हम लोग आज बाइक पे, मेयर राहुल भाई अपना बाइक लेके नहीं आए, तो भाई भाई बहुत टायर्ड हो गया था कल ऑफिस से आके, इसलिए उसने अपना बाइक नहीं लिया, तो हम दोनों एक बाइक पे आ गए, तो इसलिए मेरा काउल मेरे को घर पे छोड़ के आना पड़ा। और एग्जॉस्ट के अंदर एक कैटलेटिक कन्वर्टर भी है गाइस, आवाज को थोड़ा सा मतलब कम करने के लिए, क्योंकि इसको सिटी वगैरह में चलाना पड़ता है गाड़ी, मैं एक बार देखा देता हूं, चालान आ जाएगा, दिखा तो अब लोगों को दिखेगा। सोम भाई ये सब होल वोल दिखाने में एक्सपर्ट है। अबे यार भाई तुम क्या दिखा रहे हो, होल में ऐसे घुसा के, होल में लाइट जला के मैं क्या दिखा रहा हूँ सच में यार, गजब बेइज्जती है। सभी गाइस कमेंट कर दो, सोम भाई होल दिखाने में बहुत, देखो भाई मेरा गाड़ी के पीछे ब्रेजर्स लिखा हुआ है, उसका मैं एक हैमस्टर हो गया, इस पे क्या लिखना है गाइस, आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग जो कौन सा पॉन साइड देखना चाहते हो कमेंट कर दो भाई, यहाँ पर कमेंट कर देना, आप लोग जो बोलोगे वही हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, ऊपर जो राहुल भाई ने तो ऑलरेडी आप लोगों को बोल ही दिया, टायर ऑलरेडी मतलब कार्बन फाइबर का भाई यार, यहाँ पे ये जो पूरा कार्बन डिपिंग मतलब रैपिंग किया हुआ, इसके साथ पूरा वो मतलब मैच हो जाएगा, इसके अच्छा इसके अकॉर्डिंग अच्छा लगेगा। और एक और मिरर उसने वो ऑर्डर किया है नया 390 में, नेपोलियन का। हाँ, नया 390 में देखोगे तो अपराइज्ड जो मिरर होता है, जैसे आपका नीचे है ना वैसे ही सेम ऊपर वाला बड़ा बड़ा मिरर, तो वो ऑर्डर किया है, देखते हैं, लेट्स सी, उसका भी लुक दिखा देंगे एक बार।
कैसा आता है, इसका बोला है? हाँ, हाँ, इसका बोला है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो X3 ऐसी किट है इसको लगाने में क्या क्या दिक्कतें मतलब सामने आई? दिक्कतें कुछ नहीं हुआ, मेरे यहाँ घर के पास से एक मैकेनिक से लगवा लिया, कुछ नहीं। जो यहाँ पर जो कंपनी फिटेड जो बोल्ट आता है उसको निकालना पड़ा क्योंकि वो छोटा होता है, ठीक है। जब तुम इसको उसमें उसके ऊपर डालोगे तो तुमको बड़ा नट बोल्ट लगेगा, ठीक है। बस यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें थोड़ा वाइब्रेशन कभी कभार आता है, तो यहाँ पर मैं बोथ साइड टेप से इसको चिपका हुआ है जैसे नॉर्मल वाइब्रेशन ना आए, बाकी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जब मैं बैठता हूँ ना मेरा पैर इसमें थोड़ा लग के थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। पता ना बोले बाइक में फ्लैशेक्स का फ्लैशर लगवाया है, ठीक है। इसे एक बार ऑन करो ना। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। हाँ हाँ, ये कितने का पड़ा था? ये मेरे को तब पड़ा था 2200 के अप्रोक्स। अच्छा, वो अप डाउन होता रहता है। फ्लैशेक्स रेस डायनामिक्स। ओके एक बार साउंड सुना दो भाई। हाँ, इसमें कैथलेटिक कन्वर्टर लगा हुआ है अंदर, डीबी किलर भी बोल सकते हैं ना इसको? हाँ डीबी किलर भी बोल सकते हैं। तो एक्रोबिक M1 फुल कार्बन। तो कैसा लगा साउंड? अभी थोड़ा आप लोगों को फ्लाई बाई दिखेगा। हाँ तो फ्लाई बाई चेक कर लो आप लोग एक बार। तो गाइज अभी मैं राहुल बोल रहा हूँ, सोम से उसका कैमरा छीन लिया। अबे साले, आप लोग देख सकते हो कि उसका बाइक इधर ही में है, ठीक है। ये उसका बीस्ट है, तो मैं अभी जा रहा हूँ, वो मेरे पीछे है। और इधर बहुत धूप है भाई लोग। तो ये जो रोड देख रहे हो, ये रोड पूरा स्ट्रेच रोड है, ठीक है, मतलब पूरा स्ट्रेट एंड स्ट्रेच। तो हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ा सा बीच में। सोम भाई बाइक लेके आ रहा है, हेलमेट पहन के कर लो यार, ऐसा मत करो, हेलमेट पहन लो। फ्लाई बाई करेगा तो आपको जो ड्यूक का जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट का जो फ्लाई बाई नोट है वो मिल जाएगा। तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ। बाकी इधर का लोकेशन एक बार देख लो, बहुत ही बढ़िया ग्रीन लोकेशन है। और ये पूरा सेफ जगह पर हम लोग भाई परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग रोड के ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जैसे कि देख रहे हो, इट इज़ अ अबैंडन्ड एरिया और यहाँ पर कोई गाड़ी कुछ नहीं चलता है, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं। फुल गाइस, फुल ऑन। वो फिर से आएगा एक और बार। अब हेडफोन यूज करना भाई फ्लाई बाई सुनते समय। फुल ऑन गाइस, फुल ऑन। कैसा लगा फ्लाई बाई का नोट कमेंट में ज़रूर से बताना यार। हम लोग तुम लोगों के लिए बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छा अच्छा कंटेंट दे पाए। सोम भाई बहुत दिल से ट्राई करता है कि जितना अच्छा कंटेंट हो सके। टीवी के लगाने के बाद भी ये थोड़ा सा लाउड है, ठीक है, उससे लाउड है क्योंकि इसका फुल सिस्टम है। इस पर क्रैकल वैकल अभी भी है, तो इसका एक बार नोट सुना देता हूँ। तो भाई साउंड चेक कर लो। चलो रेडिएटर चल गया इसका। तुम तो पीछे पीछे निकल रहा है, क्यों? अरे तुम निकल जाओ। चलो जैसे कि लॉन्च कंट्रोल करते हैं ना वैसे। मैं पीछे से जाऊंगा या निकल जाऊंगा? पीछे जाओगे, तुम थोड़ा सा पीछे लॉन्च करो, ठीक है। रेडी? चलो थोड़ा सा माझ गंदे के नहीं, ठीक है जी। जी
अरे गाय भगा रहा है मुझे यार। अरे यार डर लग रहा है भाई मुझे बहुत यार, डर लग रहा है। तुम्हें पीछे थाको यार, कितने धूल है यार ये सेट यार कितना धूल मिट्टी यार यार कभी 390 से जीत नहीं सकता भाई M15। ये तो मतलब ओ ये तो मतलब एकदम भाई पुलिस ना आ जाए देख के। चलो एक बार व्हीली देखता हूँ उठता है कि नहीं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा इस बीस्ट का, और क्या खतरनाक लग रहा है देखो, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ तू पहले साउंड कर ले भाई, देख लो एक बार, चेक कर लो गाइस कितना प्यारा लग रहा है, कितना भी प्यारा लग रहा है। अभी तो इसमें बहुत सारा मॉड्स बाकी है, और कुछ मॉड्स तो मतलब घर पे पड़ा हुआ है, जैसे एक तो इसका सीट काउल घर पे पड़ा हुआ है, लगाया नहीं क्योंकि राहुल भाई पीछे आया है इसका। तो बहुत सारा मॉड्स अभी घर पे पड़ा हुआ है, बहुत सारा मॉड्स होने वाला है, वो सब मैं आप लोगों को धीरे धीरे दिखाऊंगा। फिर से इसमें लोडिंग हो जाए उसके बाद एक और भी वीडियो आ जाएगा। और ये जो पुराना लुक है ये आपको कैसा लगता है, और नया वाला जो लुक है वो आपको कैसा लगता है, दोनों में एक बार कमेंट करके बता देना जो आप लोगों को कौन सा वाला लुक पसंद है। तो गाइस अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो अभी तक प्लीज़ फॉलो कर लो। और सॉरी गाइस थोड़ा लेट वीडियो आ रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब था और दुर्गा पूजा भी था वेस्ट बंगाल पे, तो माफ़ कर देना थोड़ा लेट वीडियो आ रहा है। तो चलो फॉलो कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग पे, टिल देन बी सेफ, राइट सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड बाय बाय।